हेलो डियर स्टूडेंट्स, पूर्वी इंग्लिश बुक यूनिट 4। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस तो देखी ली होंगी। यूनिट 3 तक मैम ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। लेट्स बिगिन विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। आपको पता है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस क्या होता है? स्पोर्ट्स एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें आप गेम खेलते हो, कूदते हो, अपने आप को फिट और एक्टिव रखते हो। वेलनेस होता है, हिंदी में वेलनेस का मतलब होता है कल्याण करना, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ करना जिससे आपका फ़ायदा हो, आपका एप्रिसिएशन हो, अच्छा खाना खाना, अच्छी चीज़ों में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना, दिस इज़ ऑल वेलनेस। तो स्पोर्ट्स एंड वेलनेस एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हमारे इसमें आएंगे यूनिट में। और फर्स्ट चैप्टर आएगा चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि मन का बदल जाना। आप बहुत अकड़ू किस्म के हो और आपको कुछ ऐसा सबक मिला जिससे कि आपका दिल बदल गया। तो यही एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में। उससे पहले कुछ शुरू करते हैं एक्टिविटीज़। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले? आप कौन सा गेम या खेलना पसंद करते हो? आई लाइक टू प्ले, जो भी आप खेलना चाहते हो वो लिख देना, क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देना। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? मज़े के लिए कौन सा खेलते हो? मज़े के लिए तो ज़्यादातर हम लूडो खेलते हैं, है ना, चेस खेल लेते हैं, कैरम बोर्ड खेल लेते हैं। विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन के लिए कौन सा खेलते हैं? ज़्यादातर बैडमिंटन का कॉम्पिटिशन होता है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है। तो ये सारे हम कंपटीशन के पर्पज़ से खेलते हैं, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज़? आपको कैसा लगता है जब आप विन करते हो या लूज़ करते हो? व्हेन आई विन आई बिकम हैप्पी, डांस। और जब आप लूज करते हो, व्हेन आई लूज आई एक्सेप्ट माय डिफीट, आई एक्सेप्ट माय डिफीट, अपनी हार को स्वीकार कर लेता हूँ, ठीक है। वर्क इन पेयर्स, टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका फॉलोइंग। फ्रेंडली मैचेस कौन से होते हैं? जो मैचेस खेले जाते हैं बिना किसी कंपटीशन के। ओपोनेंट भी है, ओपोनेंट कौन होता है? जो आपकी दूसरी वाली टीम का मेंबर होता है, समवन हु यू कम्पीट विद, जिसके साथ आप कंपटीशन करते हो। तो टैली ऑफ मार्क्स क्या होता है? फाइनल मार्क्स ऑन द रिपोर्ट कार्ड, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन गेम और मैच, दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन। स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेल की भावना अंदर होना। फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेट्स बिगिन द चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। एक बच्चा होता है प्रभात, जो हमेशा जीतना चाहता है। उसके पेरेंट्स ने, उसकी टीचर्स ने, उसके दोस्तों ने उसे कई बार कहा कि उसे अपनी स्वीकार करनी चाहिए हार जब भी वो हार जाता है। द फैक्ट दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स, इवन वो कंचे खेलते समय, मार्बल्स होते हैं कंचे खेलते समय भी अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता। उसे बहुत अच्छा लगता है जब वो जीतता है, तो वो कभी भी ये फीलिंग छोड़ना नहीं चाहता। देखो, आप ही हमें जीते जब भी हमें अच्छा लगेगा, लेकिन कभी हारेंगे भी तो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत यानी कि दूसरी तरफ, लूजिंग मेड हिम फील टेरेबल, और अगर वो हार जाता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एवरीवन, उसे लगता है हारना ना इस दुनिया की सबसे घटिया चीज़ है जो किसी के साथ हो सकती है। तो प्रभात की ना एक आदत सी होती है, अगर उसे पता चल जाता है कि ये जो गेम है इसमें वो जीतने वाला नहीं है, वो सेंस कर लेता है, ये बात महसूस कर लेता है कि इस गेम में वो जीतने वाला है, तो वो उस गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं था। और जब वो श्योर होता है कि ये गेम तो भैया उसे जीतना ही है, इसमें तो उसका हाथ बहुत बढ़िया है, तो वो ऐसे ही गेम में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो गेम एक ही मिनट का क्यों ना हो।
और तुम उसे रोक ही नहीं सकते ऐसे गेम में खेलने के लिए जिसमें वो बहुत बढ़िया खेलता हो, जैसे कि बैडमिंटन। तो बैडमिंटन प्रभात बहुत अच्छा खेलता है, तो अगर वो हारने वाला होता है तो वो गेम ही नहीं खेलता है, ऐसा टाइप का। एक बार प्रभात के स्कूल में एक नया बच्चा आता है, उस लड़के का नाम था सूर्या। सूर्या एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर था और सबसे अच्छा वो खेलता था बैडमिंटन। तो बैडमिंटन का अभी हमें पता चला कि प्रभात था, और ऐसे ही एक नया बच्चा आता है सूर्या, जो भी बैडमिंटन बहुत ही झकास खेलता है। और उनके हर स्कूल में हर हफ्ते फ्राइडे को मैच हुआ करते थे, फ्रेंडली मैचेस। तो फ्राइडे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था और इसी दिन कोच फ्रेंडली मैचेस कराया करता था गेम्स पीरियड में। तो टीम्स जो हैं वो हर मंडे डिसाइड हो जाती थी, तो प्रभात से ना वेट नहीं होता था कि वो फ्राइडे तक कैसे इंतज़ार करे। और इस बार के मैच में प्रभात और सूर्या ओपोनेंट टीम की तरह से चूज़ हुए, यानी कि एक साइड प्रभात है एक साइड सूर्या है। और प्रभात को मौका भी मिला कि वो स्कोर बोर्ड के इस बार बनाएगा, यानी कि स्कोर बोर्ड पर जो मार्क्स लगाते हैं वो लिखेगा, ठीक है। प्रभात जो था प्रिपेयर्ड द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस, प्रभात काफ़ी सीरियस हो गया इस बात को लेकर, क्योंकि टक्कर में जो था सूर्या वो काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर ऑलरेडी था। लेकिन जो सूर्या लड़का था वो तो भैया बिल्कुल रिलैक्स था, उसको तो कोई टेंशन नहीं थी और वो कभी सीरियस दिखा ही नहीं कि मैच आ रहा है इस तरीके से कुछ नहीं। वो बातें करता था, इधर उधर घूमता था, लड़कों के साथ जोक्स क्रैक करता था, मस्ती मजाक करता रहता था इस तरीके से। करते करते फ्राइडे आ गया और बैडमिंटन कोर्ट में पहुंच गए, और सूर्या ने तो भाई साहब कमाल का प्रदर्शन दिखाया, फिनोमिनन मींस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल क्वालिटीज़ उसने दिखाई, और बातों ही बातों में वो जीतता गया पॉइंट्स अगेन बार बार, और लाफ करता गया, मजाक करते करते खेलता गया। लेकिन सूर्या इतना बढ़िया खेला और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि प्रभात ने बातों बातों में जो है स्कोरबोर्ड के मार्क्स चेंज कर दिए, और जब उसका ओपोनेंट यानी कि सूर्या कहीं और देख रहा था, तो प्रभात मैनेज कर दिया उसने कि वो किसी तरह चीटिंग करके जीत गया, ठीक है, क्योंकि सूर्या के पॉइंट ज़्यादा थे लेकिन उसने कर दिए अपने। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी सूर्या के लिए कि जीता ही जीता है और हारना नहीं है, उसके लिए बस आनंद था, ये मज़ा आ रहा था। तो उसने कहा वी शुड प्ले गेम अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। उसने कहा अरे हार गया तो क्या वो भाई, फिर खेलेंगे कोई नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने मज़ेदार गेम खेला। चलो अब डिस्कस करते हैं कुछ बातें जो कि स्टोरी में हुई थी। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, क्या प्रभात आराम से हार जाया करता था? नहीं बाबा, प्रभात तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता था कि वो कहीं हार ना जाए। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के लास्ट फ्राइडे इतना खास क्यों था? डिस्कस। चलिए भाई शुरू करते हैं, कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है उसे करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, पहले हमें बताना है कि ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ये सेंटेंस है, ये सही है ये गलत है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, प्रभात जल्दी से अपनी हार मान जाता था? बिल्कुल भी नहीं, प्रभात कभी भी अपनी हार नहीं मानता था। फॉल्स, प्रभात कुड नॉट बियर लूजिंग एंड वुड ओनली प्ले द गेम व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। मैम आंसर मांगती है ना, तो आप ये लिख देना कि प्रभात कभी भी हारना नहीं चाहता था और वो गेम ही नहीं खेलता था भाई साहब जिसमें वो श्योर नहीं होता था जीतने के लिए। क्वेश्चन नंबर टू पूछा है, व्हाट वॉज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, हर हफ्ते के आखिरी वाले फ्राइडे की क्या खासियत थी? तो ये रहा आंसर, द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज द कोच कंडक्ट फ्रेंडली मैचेस ड्यूरिंग द गेम पीरियड, क्योंकि उस दिन कोच फ्रेंडली मैचेस रखा करता था दो टीम्स का गेम्स पीरियड में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी स्कोर बोर्ड बनाने की मैच की? प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर बोर्ड ड्यूरिंग द मैच, प्रभात रिस्पॉन्सिबल था कि वो स्कोर बोर्ड बनाएगा। फोर्थ, डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या, तुम्हें क्या लगता है कि वो दूसरा गेम सूर्या से खेलना चाहेगा? वाई डू यू थिंक सो, भाई देखो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो पहले मैच में ही हार गया, वो उससे पंगे नहीं लेगा।
नो प्रभा डिड नॉट विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या बिकॉज ही चीटेड इन द फर्स्ट मैच. एक तो उसने चीटिंग करी एंड फियर्ड लूजिंग टू सूर्या हु वॉज अ बेटर प्लेयर. और उसे सूर्या से हारने का भी डर था क्योंकि सूर्या उससे बेटर प्लेयर था. ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर. चलिए सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ओके, लेट्स कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट. चलिए भाई सेकेंड पार्ट. भाई जब प्रभात जीत गया तो सब कोई उसकी डिस्कशन कर रहे थे कि कितना बढ़िया प्रभात ने खेला. लेकिन प्रभात ना उस रात सो ही नहीं पाया बिल्कुल भी. उसे बड़ी बेचैनी होती रही. उसने गेम जीत तो लिया लेकिन उसे खुशी ही नहीं हो रही थी जैसे जो खुशी उसे हमेशा हुआ करती थी. व्हाट वाज सरप्राइजिंग. और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि सूर्य जो दूसरा लड़का था उसे बुरा ही नहीं लगा हारने पर भी. और उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात थी कि प्रभात ने अगले दिन देखा सूर्य तो बास्केटबॉल खेल रहा है. और सूर्य ना बास्केटबॉल में बास्केट डाल ही नहीं पा रहा नेट के अंदर. और ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स. अगले 10 मिनट तक वो कोशिश करता रहा लेकिन वो बास्केट नहीं डाल पा रहा था. लेकिन येट का मतलब होता है लेकिन फिर भी वो बड़ा मज़ा कर रहा था ये गेम खेलने में. और उसकी जो हैप्पी स्माइल थी ना वो उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी. मतलब बार बार सूर्य ट्राई कर रहा था बॉल नहीं जा रही थी. फिर ट्राई कर रहा था बॉल नहीं जा रही थी लेकिन वो उस पर उदास नहीं हो रहा था. वो फिर भी कोशिश करे जा रहा था. लेकिन हमारे प्रभात जी क्या करते हैं जो गेम खेल ही नहीं पाते उसमें पंगा ही नहीं करते उसे छोड़ ही देते हैं. जबकि सूर्य इसका अपोजिट कर रहा था. प्रभात ने क्या करा कुछ दिनों तक सूर्य को ऑब्जर्व किया और उसे देखता रहा उसकी एक्टिविटीज़ को. कुछ चीज़ों में तो सूर्य बहुत अच्छा था लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल ही ख़राब था. लेकिन उसकी एक चीज़ जो कॉमन थी वो हर चीज़ को बड़ा इन्जॉय करा करता था. जो भी चीज़ मिलती थी उसको बड़े मज़े से खेलता था. प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन. और प्रभात उसको देखता रहा कि क्या क्या करता है. उस प्रभात ने रियलाइज़ करा कि ज़्यादा ज़रूरी है गेम को इन्जॉय करना और तुम्हें इसके लिए किसी स्कोरबोर्ड की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स की टैली बना सके कि तुम्हारे मार्क्स का गाइडेंस कर सके कि तुम्हें कितने स्कोर हुआ क्या हुआ. इस हिसाब से तुम इन्जॉय नहीं कर पाओगे. नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग. तुम्हें गेम खेलते समय हारने और जीतने की चिंता नहीं करनी चाहिए. बस तुम्हें क्या करना है तुम्हें पूरा गेम इन्जॉय करना है गेम खेलना है यही सोच कर कि मैं इन्जॉय करने आया हूँ. सादा मैटर क्या करता है इस ट्राइंग टू डू वेल कि तुम अच्छा करो एंड इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट कि तुम उसे गेम की तरह खेलो और उसको खेलते खेलते खूब आनंद लो मज़े लो. प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन. प्रभात ने जब सूर्य को ऑब्जर्व किया एवरी डे तो उसने कुछ उससे सीखा. सून रियलाइजिंग चेंजेस इन हिम. और उसके सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ. और उसे भी उसकी ये बात ऑब्जर्व करने का अपने अंदर भी बदलाव लगा. ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक. अब वो हाइड एंड सीक भी खेलने लगा क्योंकि उससे पहले डर लगता था लेकिन अब उसने सीखा हारना और जीतना कुछ मैटर नहीं करता. फेल्ट सैड वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड. और जब वो खेल खत्म होने वाला था गेम तो वो उसे बुरा लगता था और पहले खेलता ही नहीं था. ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग. वो भी जोक करने लगा बैडमिंटन खेलते खेलते. सून द अदर स्टूडेंट स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ. और थोड़े दिनों में बच्चे आपस में बात करने लगे. गुड फन प्लेइंग विद प्रभात. प्रभात के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है. दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. इसकी स्पिरिट आती है यानी कि खेलने की भावना और बढ़ जाती है. यानी कि कितना फन आता है कितनी चीज़ें सीखने को मिलती है और खेल में आनंद आ जाता है. कितना बढ़िया चैप्टर था ये था कि प्रभात का हार्ट किस तरह चेंज हो जाता है. पिछली बार वो कितना दब्बू किस्म का लड़का था कि जब हारने से डरता था लेकिन अब उसने सीख लिया कि हार और जीत तो चलती ही रहती है. ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए. सो कीप पार्टिसिपेटिंग. नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी बुक एक्सरसाइजेस और कराऊँगी सारे क्वेश्चंस. बाय बाय.